हाय गाइस कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू द चैनल आई एम अनुराग मोहन भटनागर अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट एनएलयू ओडिशा एंड दिस इज लॉक्यूपाई ठीक है तो आज की वीडियो ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि आपके सामने आपको दिख रहा है कि चार दिन के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विल बी डिस्कसिंग सत्रह अठारह उन्नीस बीस क्योंकि कल लाइव क्लास हो गई थी तो उसके चक्कर में फिर दो दिन आ, स्किप हो गए तो आई थॉट कि दो दिन को आ, आ, आगे के दो दिन में ऐड करके फिर आई मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑफ पिछले चार दिन के करंट अफेयर्स ठीक है तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी प्लीज बेयर विद मी ठीक है तो यार शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना ठीक है चलो शुरू करते हैं नेशनल न्यूज पे बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं एक पोर्टल खुला है नया जिसके अंडर जो पर्टिकुलर स्टेट के लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स जितने भी ज़्यादा वो पर्टिकुलर स्टेट लॉन्च करेगी उस हिसाब से उस पोर्टल पे उस पर्टिकुलर स्टेट को रैंक किया जाएगा ठीक है लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं कि आपने उस पर्टिकुलर स्टेट ने वो लैंड लिया और अपने किसी पब्लिक पब्लिक के अच्छे कामों के लिए उस लैंड को यूज किया ठीक है तो उसको बोलते हैं लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह नाम याद रखना इन्होंने यह पोर्टल लॉन्च किया है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पोर्टल फॉर द रैंकिंग्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज इन लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स ठीक है और इसके अंडर क्या होगा टॉप थ्री स्टेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्नॉलेज करेगी और टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट को भी एक्नॉलेज करेगी ठीक है तीन डिस्ट्रिक्ट टॉप तीन के और टॉप तीन स्टेट्स ठीक है और इसमें सिर्फ फिगर्स और डेटा ही नहीं दिखा जाए दिखाया जाएगा बल्कि जो स्पीड uh, से डेवलपमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर लैंड पे ठीक है द इंडिकेट इट्स ऑल्सो इंडिकेट द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री ठीक है तो ये याद रखना एक पोर्टल खुला है आ, नया जो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है ठीक है यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे आगे चलते हैं तो ताजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पे आए हैं 18 टू 20 दिसंबर की इनकी विजिट होगी इनका नाम है सिरोजुद्दीन मुहिद्दीन ही इज़ द फॉरन मिनिस्टर ऑफ ताजिकिस्तान और ये अपनी ऑफिशियल विजिट पे हैं इंडिया पर और ये हमारे जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उनसे भी मिलेंगे ठीक है ये याद रखना एस जयशंकर और उनके काउंटर पार्ट uh, की मीटिंग होगी अब इंडिया और ताजिकिस्तान ने ताजिकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी एक्टिव अपना विजिट्स एक्सचेंज करी हैं ठीक है थीके? जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उन्होंने विजिट किया था ताजिकिस्तान को इसी साल और एक बायलैटरल विजिट भी करी थी और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस भी हुई थी एक मार्च दो एक में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बस मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है तो उस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों फ़ॉरन मिनिस्टर्स मिले थे ठीक है बस लिखा है कि काफ़ी एक्टिव रही है Uh, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन ठीक है नाम याद रखना ये आ रहे हैं इंडिया अब एक फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स हुआ है जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है प्राइम मिनिस्टर की बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल होती है जो टॉपिक्स जो इकोनॉमिक टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं ठीक है इसलिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इन्होंने एक आ, रिपोर्ट रिलीज करी है जिसके अंडर इंडेक्स ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूम्रेसी की एक रिपोर्ट है इसमें स्टेट्स को रैंक किया गया है फाउंडेशनल लिटरेसी के आधार पर उसमें जो इसमें दो कैटेगरी है मतलब ऑल ओवर तीन कैटेगरी है एक है लार्ज लार्ज स्टेट कैटेगरी एक है स्मॉल स्टेट कैटेगरी और एक है यूनियन टेरिटरीज ठीक है तो इन तीनों कैटेगरीज में इनको बाइफरकिट किया गया है लार्ज स्टेट कैटेगरी में वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है बिहार सबसे बॉटम पे है और केरला ने टॉप किया है स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में ठीक है ये याद रखना तीन कैटेगरीज हैं इन टोटल लार्ज स्टेट स्मॉल स्टेट और यूटी ठीक है आगे जाते हैं तो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन साइट शुरू होने वाली है महाराष्ट्र में और इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या होता है कि कुछ चीज़ें अभी पूरे अप्रूवल की फाइनल करना बाकी है ठीक है ये 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 चीज़ मैंने यहाँ लिखी है सेकंड पॉइंट में द टेक्नो कमर्शियल डिस्कशंस आर टू अराइव एट द प्रोजेक्ट प्रपोजल ठीक है अभी कुछ डिस्कशन होने बाकी हैं इसलिए इसको सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है ठीक है इसके अंडर छः न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स सेटअप होंगे जिनकी जो कैपेसिटी है दैट विल बी सिक्सटीन फिफ्टी मेगावाट्स पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ठीक है अब मेरे को कल लाइव क्लास में क्वेश्चन आया था कि एक जो आपके मॉक में क्वेश्चन आते हैं एक्स करके वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है और एक्स होता है फिर एक्स का नाम बताना पड़ता है हमें ऑप्शन में से देख के तो उसमें आपको ये चीज़ आ सकती है कि, कि कितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर सेटअप होंगे ठीक है एक्स उसको लिख देंगे और फिर ऑप्शन दे देंगे पाँच छः सात या आठ तो इसलिए आपको रिलेटेड न्यूज़ पता होनी चाहिए ठीक है ये इंपॉर्टेंस होती है मुझे जिसने भी क्वेश्चन पूछा था मेरे को नाम याद नहीं आ रहा पर ये ज़रा नोट कर लेना अगर वीडियो देख रहे हो तो तो ये सारे जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होंगे ये फ्रांस आ, के टेक्निकल कोऑपरेशन के साथ बनाए जाएंगे ठीक है महाराष्ट्र में जीतापुर नाम की एक जगह है वहाँ पे आ, इंडिया की सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग साइट विल बी प्लेस और उसकी टोटल कैपेसिटी होगी नाइनटी नाइन ठीक है इतना ही था आगे चलते हैं तो विमेंस मैरिज एज सबको पता चल गया होगा यार काफ़ी इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ है विमेंस मैरिज एज बढ़ा दी गई है मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है प्रपोजल आया है एटीन से ट्वेंटी वन करने का यूनियन कैबिनेट ने जिसको जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे खुद उन्होंने एक प्रपोजल को अपनी सहमति दे दी है जिससे लीगल मैरिज एज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी मेन और वुमेन दोनों के अंडर क्योंकि मेन की अब तक ट्वेंटी वन थी और अब वुमेन की भी ट्वेंटी वन करने की पहल आ, स्टार्ट हो गई है ठीक है तो अब विंटर सेशन में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में जिससे अमेंड किए जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जिससे आपकी मैरिजेस गवर्न होती हैं जिसमें से एक है पी सी एम ए एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और कुछ पर्सनल लॉज भी हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट ठीक है हिंदूज की मैरिज को गवर्न करता है ये पर्टिकुलर एक्ट ठीक है तो इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा अभी विंटर सेशन में ठीक है न्यूज आ जाएगी थोड़े दिनों में और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उनकी यूनियन मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी ठीक रिलेटे है रिलेटेड न्यूज़ है एक्स करके अगेन क्वेश्चन आ सकता है ठीक है इसलिए याद रख लेना इंपॉर्टेंट है न, ठीक है आगे आ जाते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च करी है टू प्रमोट स्पोर्ट्स बेसिकली स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में तो इस नर्सरी स्कीम के अंडर स्पोर्ट्स दैट विल बी स्टार्टेड इन गवर्नमेंट प्राइवेट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ठीक है इसमें बच्चों को आ, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेले जाएंगे दो स्पोर्ट्स विल बी द स्पोर्ट्स विच आर प्लेड इन ओलंपिक्स एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स ठीक है तो ऑब्वियसली इंडिया को भी इन uh, सारे कॉम्पिटेटिव गेम्स में हेल्प मिलेगी ठीक है हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है ये याद रखना ठीक है अब ट्वेंटी uh, फोर्थ लोक रंग ये एक आर्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल होता है बेसिकली फो फोक फेस्टिवल होता है ये दो साल से पिछले हो नहीं रहा था क्योंकि कोविड चल रहा था तो अब ये दो साल के बाद स्टार्ट हुआ है और ये ट्वेंटी फोर्थ एडिशन है ठीक है अगेन एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखना एडिशन इज ट्वेंटी फोर्थ ठीक है ट्वेंटी फोर्थ एडिशन का है लोक रंग जयपुर में स्टार्ट हो रहा है ये जवाहर कला केंद्र में स्टार्ट हुआ है जयपुर में जे के के बोलते हैं इसको और ये एक ग्यारह दिन लंबा एनुअल फेस्टिवल होता है ठीक है हर साल होता है पर पिछले दो साल से नहीं हो रहा था कोविड के चलते ठीक है और इसको तीन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करा रही हैं बेसिकली जेके के, के जैसा मैंने पहले बताया जवाहर कला केंद्र आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट और रूरल नॉन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अथॉरिटी ठीक है ट्वेंटी फोर्थ एडिशन ईजी आगे आ जाओ इंडिया फर्स्ट आर्बिट्रेशन सेंटर लॉन्च किया गया है जो हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस एन वी रामन उन्होंने और जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव उन्होंने ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर आई ए एम सी नाम याद रखना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ठीक है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर लॉन्च किया है, है हैदराबाद में तेलंगाना में ठीक है इसलिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे ठीक है तो अब आर्बिट्रेशन यार हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि आ, लोग क्या करते हैं पार्टीज डिस्प्यूटिंग पार्टीज क्या करती हैं कि उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े तो वो आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं उसमें हम एक आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं जो दोनों पार्टीज़ के डिस्प्यूट्स को सुनते हैं और फिर टाइमली उनका जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ठीक कर देते हैं उनको सॉल्व कर देते हैं ठीक है तो कोर्ट में नहीं जाना पड़ता ठीक है तो इसलिए इसका फ़ायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जल्दी डिसीजन आ जाता है कम खर्च होता है कोर्ट में ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे लगेंगे तो इसलिए ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर स्टार्ट हुआ है ठीक है इंडिया का फर्स्ट है ये इसलिए जरूरी है याद रखना अब थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज की बात कर लेते हैं तो गाइज इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले आ जाते हैं मिस वर्ल्ड uh, 2021 जो कंपटीशन है वो होने वाला था अभी पर वो पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स को कोविड uh, 19 रिपोर्ट हुआ है कोविड 19 के लिए पॉजिटिव आए हैं काफी सारे कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है मानस वाराणसी इन, इनको भी कोविड नाइन्टीन डिटेक्ट हुआ है तो इसलिए आ, मिस वर्ल्ड जो है वो आ, जो शेड्यूल था कि पोर्टो रिको में होगा दैट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड ठीक है और अगले सिक्सटी डेज़ के अंडर अंडर रीशेड्यूलिंग जो है वो कॉम्पटिशन ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो अगले सिक्सटी डेज के अंडर अंडर कराना पड़ेगा ठीक है आगे चलते हैं तो यूनेस्को ने दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल होता है उसको अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है तो एक बेसिकली कमेटी है यूनेस्को की दैट इज़ कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन्होंने अपने सिक्सटीन सेशन में इंस्क्राइब किया है दुर्गा पूजा जो कोलकाता में होती है उसको लिस्ट में ठीक है ये इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट जिसकी मैंने बात करी अब उसमें दुर्गा पूजा इंक्लूड हो चुकी है अब तक दुर्गा पूजा ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग मनाते थे पर एज सच कोई ग्लोबल रिकोगग्निशन नहीं था ठीक है वही यहाँ पे लिखा है कि बट एन ऑफिशियल ग्लोबल रिकग्निशन वॉज पेंडिंग जो अब मिल चुका है ठीक है यूनेस्को की फुल फॉर्म इज रिटर्न यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका हेड क्वार्टर इज इन पैरिस फ्रांस ठीक है इजी आगे चलते हैं तो इंडिया और यूएस ने एक नया प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किया है दैट दा इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सल्यूशन इनोवेशन फॉर नेट ज़ीरो ठीक है तो इससे बेसिकली क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए अब ये दोनों कंट्रीज कुछ टेक्निकल सल्यूशन के साथ और इनोवेटिव सल्यूशन के साथ आगे आएंगी और साथ में काम करेंगी ठीक है तो इस बेसिकली uh, प्रोग्राम से इन्होंने खुद को अलाइन कर लिया है जो यूएस इंडिया क्लाइमेट क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा बनाया गया था उसके जो गोल्स थे उसके अकॉर्डिंग खुद को uh, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस को उस, uh, उससे अलाइन कर लिया है ठीक है तो उसके अलाउंड uh, ही ये सारे सॉल्यूशंस रिवॉल्व करेंगे ठीक है आगे चलते हैं बैंकिंग फाइनेंस न्यूज की बात कर लेते हैं तो सीएसबी बैंक और क्लियर ने बेसिकली टाइप किया है और अपने एन कस्टमर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो आप सबको पता है कि आप सबके पेरेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे तो जो एन कस्टमर्स एन बेसिकली लोग होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में काफ़ी दिक्कत आती है उसके लिए ये केरला बेस्ड बैंक है दैट इज़ कॉल्ड सी बैंक बी फॉर्म इज कैथलिक सीरियन बैंक इन्होंने टाइप किया है क्लियर के साथ क्लियर का पहले इसको पहले क्लियर टैक्स बोलते थे ये एक ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म है तो इन दोनों ने बेसिकली टाइप किया है टू लॉन्च एन ऑनलाइन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर हु आर बेसिकली एन ठीक है तो आप बाहर बाहर बैठे बैठे अपने ऑनलाइन ई फाइलिंग फैसिलिटी के थ्रू अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं ठीक है तो ऑबियसली इट शैल बी टाइम लेस टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि कस्टमर्स को इंडिया नहीं आना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ठीक है सी एस बी बैंक के एम डी एन सी ई इज सी वी आर राजेंद्र ठीक है इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड न्यूज इसलिए लिखा है ठीक है आगे अजर अपॉइंटमेंट्स की बात कर लो तो यूनडे मोटर्स जो है उनका एक उनके एक नए एम डी अपॉइंट हो गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो गए हैं जिनका नाम है उनसु केम एज द एम डी ऑफ यूंडे मोटर इंडिया और ये एस एस किम को रिप्लेस करेंगे ठीक है नाम याद रख लेना काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं तो इसलिए गलती हो सकती है नाम याद रख लेना उनसु किम इज द न्यू एम डी ऑफ यूंडे मोटर इंडिया लिमिटेड ठीक है ऑस्ट्रिया के नए चांसलर एज ऑल्सो बीन अपॉइंटेड कार्ल निहमर नाम है इनका इनको अपॉइंट किया गया है और इनको अपॉइंट किसने किया है इनको अपॉइंट किया है ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट ने ठीक है ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट डर ने इनको अपॉइंट किया है एक वियना में सेरेमनी हुई थी वहां पे इस सेरेमनी में ही और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो इन्होंने रिप्लेस किया है एलेक्सेंडर स्कॉलनबर्ग को ठीक है बाय कार्ल निहामर ठीक है आगे चलते हैं अवार्ड्स और ऑनर्स की बात कर लेते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा चुका है तो भूटान का हंड्रेड इंटरनेशनल डे था हंड्रेड इंटरनेशनल डे पे भूटान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नरेंद्र मोदी को दिया है ठीक है इसका जो बेसिकली अवार्ड है इसका नाम यहाँ पे लिखा है ठीक है ये इसको देख लेना एक बार और जो हेड ऑफ स्टेट हैं बेसिकली भूटान के उन्होंने प्रनाउंस किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शैल बी नेम फॉर द हाईली प्रेस्टिजियस सिविलियन डेकोरेशन ऑफ भूटान एंड ऑल्सो हाईलाइटेड द अनकंडीशनल फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान ठीक है इंडिया और भूटान के रिलेशन भी काफी इससे सुधरेंगे ठीक है तो हंड्रेड एंड फोटीथ इंटरनेशनल डे गाइज याद रखना कि वो एक्स के फॉर्म में आ सकता है कि कौन सा इंटरनेशनल डे था तो हंड्रेड एंड फोर्टीन का ठीक है Uh, आगे चलते हैं तो बेस्ट फीमेल डेब्यू uh, में ट्वेंटी ट्वेंटी वन पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें इंडिया की अवनी लेखरा हैं एक जो बेसिकली शूटर हैं uh, शूटिंग uh, करती हैं ये और इनको इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल uh, ये बेसिकली इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी थी जो uh, इसी साल पैरालंपिक uh, गेम्स हुए थे उसमें शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द ट्वेंटी ट्वेंटी पैरालंपिक ओलम्पिक्स तो इन्होंने क्या किया है ही शी हैज़ वन द बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट द ट्वेंटी ट्वेंटी वन पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है बेसिकली वो ये अवार्ड्स देती है तो इसमें uh, हमारे इंडिया की अवनि लेखरा को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला है ठीक है शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू विन टू पैरालंपिक मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द पैरालंपिक गेम्स ठीक है एक ही एडिशन में इनको दो मेडल्स मिले हैं ठीक है तो शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो ठीक है अब इंपॉर्टेंट डेट्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2021 ये बेसिकली एटीनथ दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है हर साल ताकि ये बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि uh, जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट uh, ना किए जाएँ और उनका फुल प्रोटेक्शन हो तो इसलिए इस पर्टिकुलर डे को मनाया जाता है और इस इस साल की जो थीम है थीम फॉर 2021 ट्वेंटी वन इज़ हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी ठीक है और ये जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन ईयर है बेसिकली ये सेवनटियथ एनिवर्सरी मार्क करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन आई ओ एम की ठीक है विच वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन फिफ्टी वन तो इसलिए ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सत्तर साल हो चुके हैं ठीक है एनिवर्सरी थी। थीम याद रखना, रखना so uh, uh, काफी जल्दी जल्दी पढ़ाया क्योंकि ऑब्वियसली यार ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर वो दिक्कत आती है तो चार दिन के करंट अफेयर्स थे इसलिए आई थॉट कि जल्दी जल्दी आई लेट यू वाइज नो ठीक है उसके हिसाब से नोट्स बना लेना थोड़ा स्लो करके देख लेना पर नोट्स बनाना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कल uh, वीडियो डाली थी uh, मैंने हाउ टू रीड अ न्यूज़ पेपर ठीक है वो इम्पोर्टेंट वीडियो है काफ़ी तो उसको ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना अगर नहीं करा है अब तक और लाइक करके और कमेंट करके मेरे को बता देना कैसी लगी और ऐसी कौन सी और स्ट्रेटिजिक वीडियोस आप चाहेंगे अपॉन विच आई शुड वर्क ठीक है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑल्सो इफ़ यू गाइज हैवेंट सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल तो वो ज़रूर सब्सक्राइब uh, कर लेना उसमें मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया है अब uh, उसके ही लिंक uh, 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 उसका भी लिंक आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ठीक है तो uh, उसको ज्वाइन कर लेना ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ऑक्यूपाइड एंड आई एल सी यू द नेक्स्ट क्लास बाय बाय